कैसे हैं आप सभी लोग। दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम बात करेंगे। एक तो जो मालदीव का मामला है, उस मालदीव के मामले में भारत के समर्थन में इजराइल आ गया है। बड़ा फैसला किया है इजराइल ने, और ये जो फैसला है ये भारत और इजराइल की दोस्ती का भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मित्रों, एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, और वो कविता जो थी वो चेतक और राणा प्रताप पर लिखी गई थी। और उस कविता की एक लाइन है कि राणा ने देखा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यानी राणा के और चेतक की जो रिश्ता था वो इतना ज़बरदस्त था कि राणा के मन की बात जो है वो चेतक समझ जाया करता था। तो वैसे ही भारत के समर्थन में जिस तरह से इजराइल कूदा है, उससे बहुत ये गहराई से ये बात समझ में आती है कि इजराइल का एक्शन भारत के समर्थन के लिए कितनी बड़ी बड़ी बात है। दूसरा, एक आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से बिल्किस बानो का मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और पूरा जो इकोसिस्टम है वो ज़बरदस्त विक्टिम कार्ड खेलने में लग गया। यहाँ लिखा हुआ है कि बिल्किस केस में आखिर फंस गई सरकार, इतने तिकड़म के बाद भी नहीं बचे दरिंदे, याचिकाकर्ता सुभाषनी अली ने बताया पूरा संघर्ष। तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं लोगों से, तो इसकी जरा चर्चा करेंगे साथ में। लेकिन हम जो शुरुआत करेंगे अपनी, वो करेंगे हम मालदीव से। मालदीव के इन तीन मंत्रियों की, ये हैं वो तीन मंत्री, और मरियम शिवना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद। मित्रों, मालदीव की जो आबादी है वो लगभग 4 लाख है। यहाँ पे 98% जो है वो मुसलमान है। यहाँ की जो जीडीपी है उसमें 1/3 जो हिस्सा है वो पर्यटन से आता है, और साल 2023 में यहाँ पे लगभग 14 लाख के करीब पर्यटक आए थे, और इसमें से लगभग 2 लाख पर्यटक जो थे, 2.25 लाख पर्यटक भारत से गए थे। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आखिर हिंदुओं की जो एकता है प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो कितनी ज़बरदस्त है, कि देखिए सिर्फ एक विवाद हुआ और 4,000 भारतीयों ने रद्द कराई मालदीव की होटल बुकिंग, और 3,000 ने हवाई टिकट रद्द करा दी। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी का उपहास उड़ाया था, उस उपहास के बाद जो भारतीय थे उन्होंने किस तरह से दंडित किया। यानी कि आप सोचिए कि ये जो 4,000 भारतीयों ने रद्द कराई होगी मालदीव की होटल बुकिंग, 3,000 ने हवाई टिकटें, तो ये जो लोग हैं ये कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है कि ये बड़े बड़े लोग होंगे जिनके पास पैसा है खर्च करने के लिए, जो ऐसी जगहों पर जाते होंगे, और उनको कई बार देश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है। कई बार जिसके पास बहुत पैसा होता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है। लेकिन आज जो हिंदुत्व की, देश प्रेम की जो आंधी है, वो इस तरह से हर तरफ जा चुकी है कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा रुपया है वो भी तुरंत एक्शन लेते हैं। और एक्शन लेते हुए देखिए 4,000 भारतीयों ने, जबकि ये वो लोग होंगे जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ये वो लोग होंगे जिनके टैक्स से अगर देखा जाए तो सरकार तमाम योजनाएं चलाती हैं। हमेशा आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो रोते रहेंगे कि अरे सरकार ने तो इतना टैक्स लगा दिया है, ये हो गया वो हो गया, 50 तरह से लोग रोते रहते हैं। लेकिन ये मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मोदी के का समर्थन भी करते हैं, और सिर्फ एक, कोई अपील भी नहीं होती। मित्रों, ऐसा भी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई अपील की। इस पूरे मामले को थोड़ा समझना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी का। और इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लक्षद्वीप गए थे 2 जनवरी को, और एक नहीं ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी, बहुत ही अच्छी विहंगम तस्वीरें थी। और तो ये जो तस्वीरें सामने आई थी, इन तस्वीरों के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील की थी कि भाई जो ये आपका लक्षद्वीप है ये बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर के जो है इसकी सौंदर्य को निहारिए, ये बहुत ही अच्छी जगह है, ऐसा एक प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। लेकिन वो जो ट्वीट था, उस ट्वीट को बाकी जो बहुत सारे लोग थे जो दक्षिणपंथी हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट के बाद मालदीव्स के अंदर जो पर्यटन है वो ख़त्म हो जाएगा और लोग जो है लक्षद्वीप आना चाहेंगे। तो ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि दरअसल जो ये लक्षद्वीप और मालदीव जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है समंदर में, ये समंदर में बिल्कुल पास पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। तो ये अगर आप देखें मित्रों मैप, तो मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ, तो आप देखें अगर, तो ये कोची आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोची है जो केरल का के पास है, कोची है, और यहाँ पे आप देखिए तो ये जो है ये आपका मालदीव है,
बहुत दूर मालदीव यहाँ पे नहीं है। अगर आप पूरे नक्शे को देखेंगे तो आप इस तरह से देख करके आप इसको समझ पाएंगे। तो ये इशू है। तो भाई जब अगर जो है मालदीव जो है वो चीन को ज़्यादा ही कुछ मेहमान नवाजी में लगा है चीन की, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय फिर मालदीव क्यों जाएंगे, वो लक्षद्वीप जाएंगे। और यही जो बात थी जो दक्षिणपंथियों ने ट्विटर पर ट्रेंड किया कि बायकॉट मालदीव्स, वो जो है मालदीव के लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ गई। और चुभ इसलिए गई क्योंकि ये जो है चीन के करीब जाना चाहते हैं। तो अब इसको लेकर के ज़बरदस्त जो बात है वो ये हुई मित्रों कि भारत की तरफ से इतनी बड़ी संख्या में फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। इससे एक बड़ा झटका जो है वो लगा, सीधे सीधे लगा इन लोगों को, ये जो सरकार है वहाँ पे मालदीव के अंदर। तो इसमें से अगर देखें मित्रों तो ज़रा समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी टिप्पणी थी। ये तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि कौन सी टिप्पणी थी जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ। दरअसल ये जो महमूद इनका नाम बता रहा हूँ आपको मित्रों, ये जो महजूम माजिद हैं, इन्होंने ये टिप्पणी कर दी ट्वीट पर कि भाई लक्षद्वीप के जो कमरे हैं वहाँ पे होटलों के, वो बदबूदार कमरे हैं, भारतीयों के कमरे से बदबू आती है। तो इस तरह की जब आप बात करेंगे तो इस पर जाहिर सी बात है कि नाराज़गी जताई जाएगी सरकार की तरफ से। इसी तरह से जो मरियम शिवना है, ये भी एक मंत्री है मालदीव में, और इन्होंने जो है ये कह दिया कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं ये इसराइल की पपेट है। तो अब इस जो दोनों विवादित बयान दिए, तो मरियम ने तो जो है अपना जो पूरा उनका ट्वीट था उन्होंने डिलीट कर दिया, और मजहूम ने भी अपना ट्वीट डिलीट किया, लेकिन इन तीनों ही मंत्रियों को जिन्होंने की विवादित टिप्पणियाँ की थी, इन तीनों को ही जो है इन तीनों को ही आउट कर दिया गया सरकार से मालदीव की। और ये ऐसा पहला मामला है, मैंने आज अखबारों में पढ़ा मित्रों कि ये दुनिया में ऐसा पहला मामला है जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी की गई हो, बयान दिया गया हो, और उसकी वजह से किसी और देश की सरकार ने जो है वो तीन तीन मंत्रियों को एक साथ बर्खास्त कर दिया हो। ये अपने आप में ऐसा पहला मामला है। और ये भारत का डर है, भारत की ताकत है, भारत की आबादी ही इतनी है कि हर जगह पे उसका इतना बड़ा शेयर है। आप देखिए कि 14 लाख में से 2 लाख 2.5 लाख लोग तो भारत के जा रहे थे, बाकी रूस और चीन के लोग जाते हैं लाखों में। अब चीन में अगर आप चीन से अगर आप लोगों को यहाँ पे पर्यटन के लिए इकट्ठा कर रहे हो मालदीव्स में, तो ठीक है इकट्ठा करो आप, बढ़िया है, लेकिन वो कोरोना लेके आएंगे। और जब आपको वैक्सीन नहीं मिल रही थी तो आपको चीन ने मदद नहीं की थी, मालदीव की मदद तो भारत ने की थी, हिंदुस्तान ने की थी, लेकिन बड़ी जल्दी एहसानों को भूलने वाले लोग हैं, बड़ी जल्दी एहसानों को भूल जाते हैं। तो ये एक मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको मैंने आपके सामने उठाया। और इसराइल ने इसमें क्या किया ये अपने बड़ी समझने वाली बात है। इसराइल ने मित्रों दरअसल ये किया है कि इसराइल ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, और वो जो इसराइल के ट्वीट्स हैं वो इसी विषय को लेकर के हैं। ये वो ट्वीट है मित्रों, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इसराइल ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने फ़ोटोज़ को शेयर किया है, कुछ उनकी फ़ोटोज़ को उन्होंने शेयर किया है जो लक्षद्वीप की है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि भाई जो लक्षद्वीप है इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए हम भारत सरकार के साथ मिलकर बड़े प्लान पर काम कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इसराइल ने सीधे सीधे खुल करके भारत के पक्ष में अपनी बात कर दी। और ये इसराइल इन इंडिया ये जो है ये दरअसल इसराइल का दूतावास का ट्विटर हैंडल है, और वहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से ये बता दिया कि भारत इस मुद्दे पर, इस लड़ाई में जो है इसराइल किस तरह से भारत के साथ है, मोदी के साथ खड़ा है। ये बात जो है बहुत बड़ी है अपने आप में है। और अभी आप देखिए तो गाज़ा के अंदर जो चल रहा है, पूरे आप सिनेरियो को देखिए, तो ये जो ट्वीट है इसराइल का, ये ट्वीट भी जिहादियों के जख्मों पर बड़ी नमक की तरह से जो है एक तरह से मालूम पड़ रहा है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तिलमिलाए भी हुए हैं। तो एक तो ये मसला हो गया पूरा मित्रों। इसके अलावा अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो बिल्किस बानो वाला इशू है, उस पर हम थोड़ी सी मित्रों बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इशू इसलिए है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात को दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में इसमें कोई सरकार का रोल है, क्योंकि जो अजीत अंजुम गैंग है वो पूरा गैंग ये कह रहा है कि साहब सरकार का रोल है, ये तो सरकार ने किया। लेकिन क्या सरकार ने किया, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखिए लिखा हुआ है, समझने वाली बात यहाँ मित्रों ये है कि आप देखिए क्या है पूरा मामला समझिए। 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका दायर की थी।
अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को याचिका पर फैसला लेने को कहा। इसके बाद गुजरात सरकार ने कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी ने माफ़ी की याचिका मंजूर कर ली। इसके बाद इन लोगों की रिहाई हुई। यानी मामला क्या है? मामला ये है कि सज़ा माफ़ी के लिए याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में राधेश्याम शाह ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक कमेटी बना लो, गुजरात सरकार से कहा कि भाई तुम फैसला करो इस पर क्या करना है। गुजरात सरकार ने इस पर एक कमेटी बनाई। कमेटी ने जो है कहा कि माफ़ी की याचिका मंजूर है। इसके बाद इन लोगों की रिहाई हो गई। तो जो कुछ भी हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ही गुजरात सरकार को ये पावर दी थी कि आप जो चाहें इसमें आप फैसला लीजिए, यही तो विषय है। लेकिन इस पूरे और वो गुजरात सरकार ने फैसला नहीं लिया, कमेटी बनाई उसने फैसला लिया, उसने अपना चीज जो देखा होगा उसने हिसाब से फैसला लिया। लेकिन इस पूरे मामले पर जम करके विक्टिम कार्ड, मित्रों विक्टिम कार्ड खेलने में मैं आपको बताता हूँ कि जिन्ना से लेकर के, यानी मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर के आज तक जो है विक्टिम कार्ड खेलने में कोई इनका सानी नहीं है। बहुत अच्छा विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं। तो इसीलिए मैं जो है ना किसी को, मुझे विक्टिम कार्ड कोई खेले ये मुझे बर्दाश्त नहीं भाई साहब। और ख़ासकर अगर कोई मुसलमान विक्टिम कार्ड खेले तो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और क्यों बर्दाश्त नहीं होता इसकी भी ज़रा मैं आपको पूरी बात यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मुझे ये बात बर्दाश्त क्यों नहीं होती है। अब ज़रा इसको ज़रा गौर से देखिए, एक एक चीज़ गौर से देखिए, खबर देखते जाइए बस। आप देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मुस्लिम छात्रों पर छात्रा की बोतल में पेशाब भरने का आरोप, दो पक्ष आमने सामने। तो ये जो अजीत अंजुम है भैया, इस पर कब बनाओगे वीडियो? इस पर तुम वीडियो क्यों नहीं बनाते? इस पर भी बनाओ वीडियो, इस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। और देखिए ये, दलित महिला और नाबालिग बेटी से अरशद ने किया दुष्कर्म और मतांतरण। और कितनी खबरें आपको मैं बताता जाता हूँ एक एक करके। देखिए मध्य प्रदेश में निकाह करने का दबाव बनाने से परेशान छात्रा ने दी जान। ये स्थिति जो है बनी हुई है, ठीक है, पूरे देश के अंदर। अब इसको देखिए ये मामला क्या है। हिंदू युवती से दुष्कर्म करने वाला मुस्लिम युवक लखनऊ से गिरफ्तार। आखिर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, इस पर कोई वीडियो क्यों नहीं बनता, ये तो पूछ रहे हैं अजीत अंजुम से दलाल जो ये पूरे हैं आतंकवादियों के जो गोदी मीडिया हैं। हिंदू बन तलाकशुदा से शादी मतांतरण का दबाव बनाकर वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। समझ रहे हैं आप? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिले इस चीज़, इन चीज़ों की, ठीक है। और देखिए, हिंदू लड़की का मतांतरण कर 11 वर्ष तक सामूहिक दुष्कर्म, ये खबर बदायूं की है, ठीक है। ऐसे आप देखते जाइए, आपको ऐसी कितनी खबरें मिलेंगी, लेकिन इन खबरों पर कभी कभी कोई चर्चा नहीं होती। झारखंड में मुस्लिम परिवार ने की आदिवासी महिला की हत्या, शव के 20 टुकड़े किए। देख रहे हैं आप, ये दरिंदगी क्या दरिंदगी नहीं है? खुद को हिंदू बता 15 साल की किशोरी से शादी करने पहुंचा 50 साल का अधेड़। भाई ये कौन सी वासना है यार, ख़त्म ही नहीं होती कभी, इतने बढ़ोतरी में ख़त्म नहीं होती। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, जो आफ्ताब बोला फांसी भी मिली तो अफसोस नहीं, जन्नत में मिलेगी हूर। ये आइडियोलॉजी कहाँ से आती है? यहाँ इसको देखिए ज़रा, ये इंदौर की खबर है, ठीक है, 2 अक्टूबर की खबर है, तब गांधी का जो है वो जन्मदिन भी होता है। देखिए, हिंदू लड़की से संबंध बनाने पर जन्नत नसीब होती है बोलकर किया दुष्कर्म। ये कौन इनके दिमाग में भर रहा है ये सब बातें? और देखिए, ठीक है, इसको देखिए, हथियार लहराकर मुस्लिम युवकों ने छात्राओं से कहा दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे, ठीक है। रांची का मामला है, ये रांची का मामला है। स्कूल में कई छात्रों छात्रा की पिटाई भी की, आक्रोशित लोगों ने आवेदन किया। तो ये जो पूरी की पूरी एक स्थिति है देश के अंदर, इस पर आखिर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, इस पर अजीत अंजुम क्यों नहीं वीडियो बनाते? और अब मित्रों मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही गौर से देखिएगा। मैं आपको ये चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। ये जो है ये आप देख लीजिए क्या है, ये है, ये कुरान शरीफ का एक सूरा है, सूरा निसा, सूरा निसा है। और इस सूरा निसा में एक आयत है जो कि 25 नंबर की आयत है, ठीक है। इस 25 नंबर आयत में जो लिखा हुआ है उसको जरा पढ़ लीजिए कि लिखा क्या हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझे कोई अगर इस्लामिक व्यक्ति अगर विक्टिम कार्ड खेलता है जिहादी मानसिकता का, उसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। क्यों बर्दाश्त नहीं करता? देखिए लिखा हुआ है कि परंतु तुम्हारी दासियां जो युद्ध में तुम्हारे हाथ आई हों, तुम पर अल्लाह ने लिख दिया है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक दारुल हरब होता है, एक दारुल इस्लाम होता है। और जब दारुल हरब से दारुल इस्लाम में कोई औरत जो है वो लाई जाती है कैद करके, तो तुम्हारी दासियां जो हैं युद्ध में तुम्हारे हाथ जो आई हैं वो अल्लाह ने तुम्हारे पर लिख दी हैं।
और इसके बाद यहाँ पे देखिए एक दो एक फुटनोट दिया हुआ है। फुटनोट क्या लिखता है इसको भी जरा देखिए, फुटनोट ने इसमें क्या लिखा हुआ है। ये फुटनोट है, अब इसको फुटनोट को पढ़िए ध्यान से। ठीक, लिखा हुआ है कि दासी वह स्त्री है जो युद्ध में बंदी बनाई गई हो, उससे एक बार मासिक धर्म आने के पश्चात संभोग करना उचित है और उसे मुक्त कर देने में, उसे विवाह कर लेने में बड़ा पुण्य है। इब्ने कसीर। तो ये क्या बता रहे हैं साहब कि अगर कोई, हमारे यहाँ क्या परंपरा रही है महिलाओं को लेकर के, अगर महिला मुसीबत में है, उसका पति मर गया है, पीड़ित है, तो उसकी रक्षा करो, उसको उसे घर पहुंचा दो। ये क्या बता रहे हैं साहब कि अगर स्त्री युद्ध में बंदी बनाई गई हो तो उससे एक बार मासिक धर्म आ जाए तो फिर उसके बाद संभोग करना उचित है और उसे मुक्त करने में बड़ा पुण्य है, विवाह करने में बड़ा पुण्य है। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा नियम बनाया तुमने यार। ठीक है, तो ये साहब इनकी असलियत है और इसीलिए मैं इस तरह के जो लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं उससे मुझे बहुत सख्त नफरत है। तो भैया ये जो शर्मा जी हैं क्या लिख रहे हैं, जरा देखिए शर्मा जी क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं बिल्किस बानो के फैसले के बाद क्या शर्म आएगी सरकार को, आखिर माफ़ी क्यों नहीं मांगते मोदी। भैया माफ़ी तुम मांगो, कितने विषय ऐसे आते हैं जिनको तुम उठाते नहीं हो और आज एक एक विषय पर तुम इस तरह से जो है नाना प्रकार की बकवास कर रहे हो, तो इसको सुना नहीं जाना चाहिए, इसे कोई भी इसे सुनेगा भी नहीं मित्रों। तो ये मित्रों आज का वीडियो है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहाँ पर जो है एक मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस नंबर को आप ज़रूर अगर आप सेव कर लेंगे, इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल कर देंगे तो आपको मेरे आर्टिकल भी व्हाट्सअप पर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।